क्योंकि इस वजह से ज्यादा प्यास लगती है। मेनली खाने में बहुत ज्यादा सॉल्ट इंटेक रहा है, खाने सॉल्ट इंटेक यानी कि सिर्फ खाने में नहीं, अगर आपने अचार खा लिया, बहुत सॉल्टी चटनी खा ली, बाहर का पैक वेफर्स चिप्स फरसान कुछ खा लिया, तो यू विल फील थर्स्टी। सेकेंड, अगर खाना बहुत ज्यादा तेज मसालेदार हो, दो चीजें, तो ये दो चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें पानी की जरूरत खाने के साथ, यस, मीठा खाने के बाद भी, यस, शुगर इंटेक आल्सो रिक्वायर्स मोर वाटर। सो दीज कौन सा बिस्किट खाना चाहिए इन लोग को, मैदे का आइटम या मैदे का ब्रेड? ब्रेड इन लोग बहुत टोस्ट में इन लोग खाते हैं, और एक आजकल होता है मिक्स ग्रेन ब्रेड, एक होता है आटे का ब्रेड, एक होता है मैदे का ब्रेड, उसमें क्या क्या अंतर है और क्या इनको खाना चाहिए? बराबर, पहली बात तो जो मैदे का ब्रेड या फिर जो भी अपना बिस्किट्स वगैरह रहता है वो स्पेशली आपके लिए मना नहीं है, वो हम सबके लिए मना है। लेकिन कैसे ना, आप लोग डायलिसिस पे आते हैं, कई पेशेंट तो ऐसे ही बिना खाना खाए ही आ जाते हैं, तो उस टाइम पर बोला जाता है कि एक इमरजेंसी स्नैक्स के लिए अपने बैग के अंदर हमेशा कुछ तो भी ऐसा हेल्दी बिस्किट्स रखें जिसमें थोड़ा फाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो। तो एक तो थोड़ा मारी है, उसमें भी मैदा है, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि उन लोगों ने प्योर बनाया है, प्योर कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन वो मिक्स्ड है, लेकिन एटलीस्ट जो लेकिन लाइक जो सिर्फ मैदे के बने रहते हैं उससे तो फिर भी बेहतर है, तो मारी एक हम ले सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में अभी भी काफ़ी ब्रांड्स आए हैं जो ओट्स वगैरह भी रखते हैं, तो आप वो सब भी अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। ये सब उस वक्त के लिए है जब कुछ समझ में नहीं आता और एनर्जी डाउन हो रही है, और वो तो हमें किसी हालत में नहीं करनी है, बिकॉज अगर हम डाउन फील कर रहे हैं तो इट मे पॉसिबल हम फेंट हो सकते हैं, तो आप चल के फिर डॉक्टर के पास नहीं, आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बैग में कुछ तो भी हेल्दी स्टफ्स रखने हैं, उसमें लास्ट का ऑप्शन है बिस्किट, बट है ब्राउन ब्रेड, प्लेन ब्रेड, मिक्स ग्रेन ब्रेड, उसमें कुछ तो खाने को मिलेगा। मिक्स ग्रेन ब्रेड ठीक है, सही है, बट इंडिया में ये प्योर नहीं मिलता, तो मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि ये 100% कोई भी रिलायबल चीज़ नहीं है, तो मॉडरेशन में ओके है, ज़्यादा लेंगे हमें ही गलत है। हाँ, अगर कोई बेकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो वो घर में बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो बनाने का तरकीब कौन बताएगा? बहुत सारे हैं, बहुत एक्सपर्ट है। नेक्स्ट ईयर में कोई लोग इसके लिए भी तैयारी करना। अच्छा, ये इन लोग का एक और सवाल है, इन लोग कहता है कि ब्रेड बटर खाना है, कि ब्रेड जैम खाना है, कि ब्रेड चीज सैंडविच खाना है, कि प्रॉपर सैंडविच खाना है, क्या इनको खाना चाहिए? सर, प्रॉपर नॉर्मल सैंडविच खाइए, वेजिटेबल्स और ग्रीन चटनी वगैरह लगा के, क्यों इतने फैंसी में जाना है? नहीं नहीं, फैंसी नहीं, मतलब इन लोग का सवाल है, मेरा नहीं, मैं तो इजी है और अच्छा ऑप्शन है, अपनी वेजिटेबल्स फाइबर भी जाएगा, स्टमक भी फील होगा। और कोई सवाल? देखो, तुम लोग के तरफ से मोर्चा खोल के रखा हूँ मैं, हाँ, मैं इधर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, डायलिसिस पेशेंट को चावल खाने के लिए मना करते हैं और पुआ को रिकमेंड करते हैं, तो ये चावल से ही बनता है पुआ, तो इस दोनों में क्या अंतर है जरा मुझे बताइए, जरा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइस भी देती हूँ मैं, पोहा भी देती हूँ, और एक्चुअली अगर हमने हमारा वाटर इंटेक मेंटेन करें तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वही थोड़ा स्मार्टली डील करना है। अगर हम ध्यान दे रहे हैं हमारी बॉटल पे, बॉटल के अलावा जो लिक्विड फूड हम लेते हैं लाइक दाल है, अपना दूध है या चाय है, अगर हम इन चीज पर ख्याल रखते हैं तो हमारा वाटर डेफिनेटली मेंटेन रहेगा, तो उस टाइम पर आपको डेफिनेटली सब ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, आप पोहा खाइए या फिर राइस खाइए, बल्कि मैं पोहा बोलती हूँ बिकॉज पोहा और लेमन का कॉम्बिनेशन आयरन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मैडम, बटर और चीज नहीं, बटर ओके है फिर भी, लेकिन चीज तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज चीज प्रोसेस्ड है, आप बटर चीज की जगह घी खाइए, वो ज्यादा बेहतर है, बट ऐसा नहीं कि आप डब्बे खत्म करेंगे, दिन भर में हमारा 5-7 ग्राम घी अलाउड है। एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है तुम बताओ, एक अंडा व्हाइट पोर्शन में कितना प्रोटीन होता
कि कितना खा सकते हो वो पी रहे। अंडा व्हाइट में कितना प्रोटीन होता है? 5 ग्राम सर। 5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम कंजूस। तो चिकन कांडा नहीं होगा। 5 ग्राम, 5 ग्राम। अच्छा ठीक है, तुम लोग का नंबर 4 ग्राम के आसपास रहता है, बड़ा अंडा रहा तो 5 ग्राम रहता है। और आपको रोज प्रोटीन कितना खाना है? डायलिसिस के लोगों को प्रोटीन कितना खाना है? 8 अंडा नहीं, प्रोटीन कितना खाना है? जितना केजी वजन है बॉडी का, जितना केजी है उतना खाना है कि उससे ज्यादा खाना है कि जितना वजन है उससे कम खाना है? 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम। वेट के हिसाब से ज्यादा, तुम्हारा वेट है 60 किलो, तो तुमको 60 ग्राम खाना है कि 70 ग्राम खाना है? 60 ग्राम। ये इसके पक्ष में कितने लोग वोट देते हो? अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, एक भी नहीं है, हार गया। सही है। तो तुम लोग सही बता दो, अगर 60 किलो वजन है तो कितना ग्राम खाना है? अच्छा 50 किलो किसी का वजन है तो कितना ग्राम खाना है डायलिसिस में? हम हैं नॉर्मल, हमको 50 ग्राम खाना है। आप लोग डायलिसिस के हो, इसके लिए आपको 20% ज्यादा खाना है, 60 ग्राम। और जब किडनी के मरीज हैं, जब डायलिसिस पे नहीं है तो 40 ग्राम। अंतर समझ जाओ, जब आप डायलिसिस पे नहीं थे तो 40 था, अभी जब डायलिसिस पे आ गए हैं तो ज्यादा प्रोटीन 60 ग्राम। अभी 60 ग्राम में हमारा ऐसा मानना रहता है कि अगर फास्फोरस ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है तो 6 से 8 अंडा जो है आपका 50% प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। मतलब आप जितना खाना चाहते हैं 60, उसका 30 ग्राम कम से कम अंडा का व्हाइट से आ जाता है, और बाकी 30 ग्राम मैडम जो बताई है वो पनीर हो, दाल हो, हर चीज में थोड़े मोटे प्रोटीन है, उससे आ जाता है। अंडा बोलने का इसलिए है कि अंडा का वाइट जो पोर्शन है वो 100% बॉडी को यूटिलाइज होता है। जैसे सोया प्रोटीन है वो 30% 35% यूज होता है, लेकिन अंडा ऐसा प्रोटीन है जो जितना आप ग्राम खाओगे उतना ग्राम यूज होगा बॉडी में। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब बॉडी को यूज करने का जो कैपेसिटी, वो 100%। और सबसे सस्ता प्रोटीन है, 1 रुपीज 1 ग्राम, बराबर। अच्छा अभी ना एक और मार्केट में amulprotein.com पे मिलता है, वो छाछ और लस्सी। मैडम वो पी सकते हैं? 15 ग्राम प्रमोट कर रहा है 25 रुपए में, 200 ml है, पानी भी हो जाएगा, लस्सी भी हो जाएगी, टेस्ट भी आ जाएगा, और प्रोटीन भी 15 ग्राम दे रहा है 200 ml। हाँ सर, वो तो ले सकते हैं, तब एक तरह से हमारा वो प्रोटीन ड्रिंक ही हुआ, लेकिन अगेन कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम वाटर को मेंटेन करें। मालूम पड़ा है, मैं हमेशा ये प्रोडक्ट को बोल रहा हूँ, डायलिसिस के समय आप एक ले लो पानी की जगह पे। हाँ। तो आपका 15 ग्राम प्रोटीन, लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि उसमें पोटेशियम कितना हो सकता है? ये सर वही थोड़ा सा एक वही मार्किंग रहती है। कितना रहता है पोटेशियम जी? दही में बहुत पोटेशियम है कि हल्का फुल्का? नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं रहता है सर, मॉडरेशन में ही है। और ये प्रोडक्ट जो है ना ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन मिलता है भाई, बता दे सबको। सर दही घर में भी जमा सकते? वो दही नहीं, एक छाछ जो अमूल का मिलता है उसमें 2 ग्राम प्रोटीन रहता है। ये जो अमूल छाछ मार्केट में मिलता है वो नहीं लेना, वो 2 ग्राम वाला, उसमें नमक भी ज्यादा है। ये जो है ना, ये 15 ग्राम प्रोटीन लिखा हुआ है, ऑनलाइन ही मिलता है amulprotein.com। और कोई सवाल? एक सवाल यहाँ है। मैम जो डायलिसिस के पेशेंट मतलब ऐसा क्या खाएगी जिसकी बॉडी मतलब वो हुए नहीं हो कि मतलब पतला हो जाए, प्रोटीन भी ना बढ़े और मतलब तो मतलब क्रिएटिन ना बढ़े, क्रिएटिनिन ना बढ़े? क्रिएटिनिन से क्या मतलब है डायलिसिस पेशेंट को? क्रिएटिनिन से डायलिसिस पेशेंट को क्या मतलब है? क्रिएटिनिन क्यों चेक कराते हो आप लोग? बॉडी में से जो प्रॉपर वेस्टेज नहीं निकल पाती वो हमारी जो किडनी फंक्शन करती है वो तो निकाल देती है, बट डायलिसिस के अंदर पूरा जो हमारा इम्प्योर मटेरियल है वो नहीं निकल पाता, उसकी वजह से क्रिएटिनिन हमारा बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन लेवल जितना कम रहेगा उतना हम लोग फिट रहेंगे। तो क्रिएटिनिन आपको 2 रहेगा तो अच्छा है कि 10 रहेगा तो अच्छा है? अगर क्रिएटिनिन 1.75 से लेके 1.5 तक रहेगा तो अच्छा है, 10 रहेगा तो बहुत खराब है।
डायलिसिस के मरीज में कोई एक ऐसा मरीज बता दो जिसका क्रिएटिनिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबका 8 से 12 के बीच में रहता है, रहता है? अच्छा 6 से 12 के बीच में रहता है, बराबर। तो क्रिएटिनिन चेक करके क्या मतलब है मतलब हाँ या ना? वो दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, जैसे सर ने बोला ना कि 1 क्रिएटिनिन रहेगा तो बहुत अच्छा है। डायलिसिस पेशेंट का क्रिएटिनिन 1 क्यों नहीं हो सकता है? डायलिसिस करते हो फिर भी